हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अभियांत्रिकी गुरु में। आज मैं आपको बताऊंगा जो जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान आया है उसके बारे में। 2018 हैप्पी न्यू ईयर प्लान, ये आपके लिए एक गिफ्ट है उसका नए साल का, तो उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा और कंपैरिजन करेंगे एयरटेल और वोडाफोन से। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके यहाँ पे जो दो प्लान है 199 और 299। 199 यानी कि 200 रुपये में आपको मिलेगा 1.2 GB डेटा 28 डेज के लिए, और जो 299 यानी कि 300 रुपये का है उसमें आपको मिलेगा 2 GB डेटा 28 डेज के लिए। ठीक है, अब इसको कंपेयर अगर हम करें एयरटेल वोडाफोन से, तो एयरटेल में जो 199 यानी कि 199 का जो रिचार्ज होता है वो मिलता है उसमें 1 GB डेटा, जबकि जियो का जो है 1.2 GB है, वोडाफोन में भी सेम है 1 GB, और यहाँ पे जो 2 GB है वो जो एयरटेल देता है वो 348 में देता है, और जो वोडाफोन है वो 347 में देता है 2 GB डेटा 28 डेज के लिए। जियो ने यहाँ पे 50 रुपये कम लगा करके 299 यानी कि 300 रुपये का जो है 2 GB 28 डेज के लिए दिया है। अगर अब मैं बात करूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन की यहाँ पे जियो का, वो हमारा 1 GB का प्लान अगर हम देखें 199 में, अगर 199 डिवाइड बाई 28 डेज तो वो हमारा आएगा 7 रुपये पर डे के हिसाब से, और 3999 जो 70 दिन के लिए होता है, मतलब 399 वाला जो 400 वाला प्लान है 70 दिनों के लिए 1 GB का, उसका अगर हम पैसा देखें तो पर डे पड़ता है वो हमारा 5 रुपये 5.7 जो है 5 रुपये 70 पैसा जो पड़ता है। दूसरा हम करें 459 यानी कि 459 रुपये का करें, वो मिलता है हमें 84 का, अगर हम वो पड़ेगा 5.4 यानी कि अराउंड 5.5 रुपये के आसपास आपको पर डे का हिसाब से पड़ता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो 499 जो है 91 डेज का मिलता है, तो वो भी हमारा 5.5 रुपये 5.40 रुपये करीब इतना पड़ जाता है, यानी कि 459 वाला और 500 वाला जो प्लान है वो दोनों सेम ही है, तो जो भी उसमें टाइमिंग मिलते हैं 1 GB के लिए। लेकिन जो 2 GB वाला जो डेटा है वो हमारा आता है 509 में 49 डेज के लिए, तो वो हमारा जो पैसा हुआ वो हुआ 10 रुपये 38 पैसे का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 299 और डिवाइड बाई 28 करें, यहाँ पे हमारा आ रहा है 10 रुपये 61 पैसे, तो मतलब दोनों सेम ही है। लेकिन अगर आप 199 का कराते हैं पर डे के हिसाब से तो आपको वो पड़ेगा 7 रुपये के हिसाब से, और अगर आप 3 महीने का लेते हैं या 84 डेज का लेते हैं तो आपको वहाँ पे 5 रुपये का पड़ेगा। तो ये था कुछ कैलकुलेशन मेरी तरफ से, और कुछ मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी पता लग जाए इस हैप्पी न्यू ईयर 2018 जो ऑफर है जियो की तरफ से उसके बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, फिर मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।